नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एंड स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज प्राइवेट बैंक के बारे में। देखिए, इस बैंक के चर्चे आपको हमेशा बहुत सारे जगह पे देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए इस बैंक का हालत खराब हुआ था, मतलब जब करीबन करीबन 400-500 के प्राइस में था, और आज वो बैंक एक पेनी स्टॉक बन चुके हैं। तो इसी के कारण इस बैंक के ऊपर बहुत सारा इंस्टीट्यूशन और बहुत सारा इंस्टीट्यूशन उतना फोकस नहीं रखते, ज्यादातर रिटेल पब्लिक इस बैंक के ऊपर फोकस रखते हैं, क्योंकि उसको पेनी स्टॉक चाहिए, और वो भी अराउंड 10 to 20 रुपीज के अंदर। और उसको लगता है इस तरीके से पेनी स्टॉक में निवेश कर दूं और मेरा फंड 2 गुना 4 गुना हो सकते हैं। तो इस तरीके से सोचने वाले को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप एंजल वन के माध्यम से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो जिस बैंक के बारे में बात करूंगा वो है यस बैंक। देखिए, यस बैंक के ऊपर बहुत बहुत सारे वीडियोस में पहले भी आपको बना के दिया, तो आप देख सकते हैं यस बैंक जो लिमिटेड है वो आज देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक है, और वो भी देखिए 13 रुपीज का एक स्टॉक है। पिछले दिनों में इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो 13.65 था, और आज के दिन का इसका जो ओपनिंग प्राइस है वो 14.25 है, और हाई क्या था 14.50। देखिए अराउंड, देखिए यहाँ पे 1 रुपया भी चेंजिंग होता है ना, तो आपको देखा जाए तो 2% 3% तक चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो आज के दिन, पिछले दिनों से कंपैरिजन करूँ, पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था उसमें से कंपैरिजन करूँ तो करीबन 2.5% तक, 2.50% तक तेजी देखने को मिला। तो बहुत दिनों के बाद ओपन मार्केट में यहाँ पे स्टॉक में आज के दिन तेजी देखने को मिला। तो इसके पीछे कौन सा वो रीजन है, कौन सा वो कारण है, तो चलो उस कारण के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो एक एक करके पूरा डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो 1 मंथ में करीबन कंपनी ने 5.5% तक रिटर्न आपको दिया, चलो अच्छा है। 6 मंथ में 6% तक रिटर्न दिया, चलो और भी अच्छा है। 1 साल में करीबन कंपनी ने कोई रिटर्न और लॉस नहीं दिया, मतलब एक छोटा मोटा लॉस दिया है, और 5 साल में ही कुछ नजरिया चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो कंपनी करीबन करीबन 300-400 रुपीज के अंदर चल रहा था वो कंपनी आज एक 13-14-15 रुपीज का शेयर बन चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ और किस तरीके से गिरावट हुआ, इसके पीछे बहुत सारे वीडियोस में आपको पहले बना के दिया, और वो वीडियो आपने नहीं देखा हो तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस कंपनी के यहाँ पे गिरावट का कारण यहाँ पे बताने नहीं वाला हूँ, तो आज इस कंपनी के ऊपर कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा जो इस कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है उसके ऊपर जरूर यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगा। तो चलो वो डेटा आपको दिखाने से पहले आपको सबसे पहले कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट के ऊपर ही एक कुछ डेटा आपको मिलेगा जो इस कंपनी का भविष्य बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, पहले ही बता दूं, पहले जो कॉलम है वो क्वार्टर फोर का रिजल्ट, दूसरा जो कॉलम है वो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, और तीसरा जो कॉलम है वो क्वार्टर फोर का पिछले सालों का रिजल्ट। तो यहाँ पे जो रिजल्ट यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो ऑब्वियसली देखा जाए तो एक मतलब रिजल्ट किस तरीके से हुआ उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहली बात, कंपनी का एक्चुअली देखिए बैंकिंग सेक्टर में जो एक्चुअली प्रॉफिट होते हैं वो है इंटरेस्ट के माध्यम से और डिस्काउंट बिल एडवांस और अदर्स इन्वेस्टमेंट के माध्यम से। तो टोटल यस बैंक ने जो टोटल इनकम किया, तो टोटल इनकम जो यहाँ पे किया उस वो देखिए 5,82,922। आप सिर्फ फिगर देखना, आपको मैं यहाँ पे लाखों में दिया गया है, आप लाखों में हो करोड़ों में हो कुछ भी हो, आप फिगर देखना, फिगर देख के ही आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का टोटल इनकम 5,42,000 करोड़, सॉरी माफी चाहता हूँ, 5,82,900। तो पिछले क्वार्टर में कितना था, 5,63,000, यहाँ पे करोड़ों में नहीं लाखों में दिया गया है, और पिछले साल में कितना था, 4,67,000। इसका मतलब पिछले सालों में सालों से कंपनी का इनकम का ग्रोथ हुआ,
पिछले क्वार्टर के तुलना से इनकम भी ग्रोथ हुआ। तो चलो पहले एक पॉजिटिव साइन यहाँ पे देखने को मिला, तो पॉजिटिव साइन होने से ही कुछ बात नहीं बने मतलब बढ़ेगा, आपको और भी कुछ डेटा देखना चाहिए जिस डेटा के का मतलब बेसिस से कंपनी का और भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपके सामने क्लियर होगा। तो चलो उस डेटा भी आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी का टोटल इनकम ने आपको तो देख आपने तो देख ही लिया, अभी देख लेते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस। तो टोटल कंपनी का देखिए, टोटल जो एक्सपेंडिचर है, एक्चुअली बैंकिंग इसके रैंक नाम के हिसाब से कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर बताया जाते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो 5,05,000। तो चलो इसका जो इनकम हुआ 5 लाख करीबन, इसका जो इनकम 5,80,000 था वो 5,05,000 तक बन चुके हैं। तो एक मतलब थोड़ा सा मतलब इसका जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल किया, चलो अच्छी बात है। पिछले क्वार्टर में था 4,90,000, पिछले साल में था 4,62,000। तो अभी तक तो ठीक है। तो अभी जो चीज सबसे ज्यादा बैंकिंग इंडस्ट्रीज में देखना है वो है प्रोविजन। प्रोविजन कंपनी ने कितना कंट्रोल किया, क्योंकि प्रोविजन सबसे इंपॉर्टेंट बात होते हैं, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्रीज में प्रोविजन जितना कम होगा उतना ही बैंकिंग के लिए अच्छे बात माने जाते हैं। तो चलो प्रोविजन कितना कम किया, ऑब्वियसली अच्छा खासा कम किया, मात्र 27,000। पिछले क्वार्टर में कितना था, 37,400। पिछले सालों में कितना था, 5,11,000। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस से देखा जाए तो कंपनी का प्रोविजन बहुत बहुत कम देखने को मिला, बहुत कम। और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी कंपनी ने कंट्रोल किया, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 37 था, इस क्वार्टर में 27 है। तो अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन्स किया कंपनी ने, प्रोविजन को कंट्रोल किया, मतलब प्रोविजन का कम करने के लिए कोशिश किया। तो देखिए प्रोविजन जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए पॉजिटिविटी है, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ। क्योंकि देखिए मैं आपको इस बात को क्यों दिखाता रहता हूँ, क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर, कोई भी कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो मतलब बैंकिंग सेक्टर में निवेश कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोविजनिंग और एनपीए ये सारे के सारे चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस मतलब इंपॉर्टेंस चीज के ऊपर ही आपको एक अंदाजा मिल जाता है कि कंपनी खुद का जो बिजनेस तो अच्छा कर रहा है। मान के चलिए आपका एक दुकान है, आप तो सेल्स बहुत ज्यादा हो रहा है, मगर आपके हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको ज्यादातर मतलब टैक्स पेमेंट करने में चला जा रहा है, साथ ही साथ कंपनी आपको आप कर्जा ज्यादा लेकर रखा है तो उसको भी पेमेंट करना पड़ रहा है। तो बहुत सारे एक्सपेंस सामने आ जाता है, तो उस एक्सपेंस के माध्यम से देखा जाए आपके हाथ में पैसा नहीं बचते। तो सेम टू सेम तो यहाँ पे कंपनी ने प्रोविजन कंट्रोल किया, बहुत पॉजिटिव साइन, 5 स्टार रेटिंग यहाँ पे देने वाला हूँ कंपनी को इसके हिसाब से। तो अच्छा खासा प्रोविजन को कंट्रोल किया। उसके बाद जो चीज आपको देखना है वो है कंपनी का एनपीए। तो कंपनी का एनपीए किस तरीके से कंपनी ने कंट्रोल किया वो भी आपको देखना चाहिए। तो फिर दो तरीके से एनपीए होते हैं, एक ग्रॉस एनपीए, एक नेट एनपीए। तो आप यहाँ पे मैं परसेंटेज के हिसाब से आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। तो नेट एनपीए जो है एक्चुअली परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 4.53% का। तो 4.53% का एनपीए मतलब यहाँ पे अच्छा खासा मेंटेनेंस यहाँ पे किया, और कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे मतलब प्रोविजन को भी कम किया, साथ ही साथ एनपीए को भी कम किया। एनपीए आप सभी जानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो कंपनी का जो एसेट परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है उस वो पड़े पड़े उसका तो डिप्रिसिएशन निकल रहा है, तो वही कंपनी के लॉसेस है। तो प्रोविजनिंग और एनपीए जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए अच्छा साबित माना जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एनपीए ने कंट्रोल किया 4.53%, पिछले क्वार्टर में था 5.92% और पिछले सालों में था 5.88%। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस भी कम हुआ और क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी कम हुआ। तो हर पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव दिखा। तो इस पॉजिटिव साइन के मतलब पॉजिटिव रिजल्ट के हिसाब से क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन सबसे पहले आ जाता है। क्योंकि देखिए यस बैंक एक ऐसा कंपनी है, तो बहुत सारे दोस्त कमेंट करते थे सर टाटा मोटर्स जैसे कंपनी 72 रुपीज से मतलब 70 रुपीज से आज 500 रुपीज तक जा चुके हैं, तो क्या यस बैंक 13 रुपीज से 300 रुपीज तक जा नहीं सकते। तो देखिए इस तरीके से कमेंट करना गलत होगा कि इस कंपनी इतना दूर तक जाएगा, इतना 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 परसेंटेज ग्रोथ होगा, क्योंकि इस तरीके से अंदाजा तो लगा सकते हैं मगर उसका कोई सियोरिटी नहीं होते। तो मैं कोई इस तरीके से सियोरिटी नहीं दे पाऊंगा, मैं नहीं कोई भी एनालिसिस आपको दे नहीं पाएंगे। हाँ आपको बोलेंगे कि इस कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस है, मगर कितना दूर तक जाएगा, उसका मतलब परसेंटेज कितना ग्रोथ होगा वो आपको कभी नहीं कोई बता पाएंगे। इसका कारण है क्योंकि स्टॉक के एक परफॉर्मेंस देख के एक बार अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर लिया, इसका मतलब कंपनी रॉकेट नहीं बनेगा, कंपनी के लिए और भी टाइम आपको पे आउट मतलब टाइम आपको देना होगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो न्यूज है ऑब्वियसली पॉजिटिव है,
ऑब्वियसली जबरदस्त है, तो इसी के कारण आज के दिन स्टॉक में उछाल देखने को मिला। तो अभी जो जो मेन चीज है, इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए, तो इस तरीके से कमेंटमेंट सबसे पहले आ जाता है। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी के एक क्वार्टर में देखकर आपको अच्छा जरूर लगा होंगे, मगर बाकी क्वार्टर आप देखेंगे, मतलब साल भर के बाद देखेंगे, तो कंपनी ने देखिए साल भर में कंपनी का प्रॉफिट था, पहले शानदार करते थे, 2020 के बाद कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो थोड़ा थोड़ा सा कम हुआ, नेगेटिव में गया था, अभी इस साल में कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव में आया। तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू जरूर करना चाहिए, मगर आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो एकदम स्मॉलेस्ट अमाउंट निवेश करिए। मान के चलिए आप 1 लाख रुपए निवेश करना चाहते थे, तो मैं यही कहूंगा 500 रुपये इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए, उससे ज्यादा नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उससे ज्यादा नहीं निवेश करें, 500 में ज्यादा बोल दिया, 100-200 लगा के छोड़ देते तब भी ठीक है, क्योंकि ये अभी उसका परफॉर्मेंस अभी भी उतना खास नहीं है, टोटली नेगेटिविटी में है। तो मैं जरूर कहूंगा, मैं तो इस कंपनी के ऊपर अभी निवेश नहीं कर रहा हूं, तो आप निवेश फिर भी करना चाहते हैं तो आप एकदम छोटा अमाउंट लगाइए, अगर कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी क्रिएशन हो चुके हो, तो आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे इस वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।